राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब हमारा समाज, आप मैं हम छोटे बच्चे हमारे बुजुर्ग, और इसी समाज को इसी संस्कृति को बचाने का जो प्रयास है ताकि हमारा देश आगे बढ़े और अपनी संस्कृति को साथ में लेकर जाए। क्यों? क्योंकि जो हमारी संस्कृति है वही हमारी पहचान है। गलत बोला क्या? अब उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति पगड़ी बांध ले और तलवार ले ले हाथ में तो क्या आप देख के क्या बोलेंगे? सिख है, पहचान जाएंगे। भाव को देख के कोई भी बता देगा कि भाई भाव कहीं महाराष्ट्र के आसपास से जुड़े हुए हैं, धोती है, कुर्ता है, बढ़िया टोपी है, जैसे मैंने भी पहना हुआ। तो हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान है हमारी संस्कृति, हमारा पहनावा ओढ़ावा। तो हम अपनी पहचान न खोए और साथ में राष्ट्र के हित के लिए भी काम करें और संगठित होकर काम करें, यही उद्देश्य है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। बहुत साधारण, इसके अलावा ना तो कोई उद्देश्य है और ना तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई बहुत बड़ी परिभाषा है। रही बात कि दायित्व की, तो दायित्व तो ऐसी वस्तु है कि आप जितना ज्यादा समय देंगे और जितना ज्यादा आप समाज के लिए काम करेंगे उससे बड़ा दायित्व किसी का नहीं होता। जैसे अभी हमारे बीच में अनिल जी भाई साहब हैं, जैसे मुझे खंड का दायित्व है, उसी प्रकार अनिल जी भाई साहब जो है हमारे इस पूरे मंडल के मंडल कार्यवाह मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन के इस मंडल के सबसे बड़े दायित्व में भाई साहब अनिल जी भाई, तो बहुत बड़ा दायित्व है भाई साहब का, लेकिन है भी नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पद नहीं होता, दायित्व होता है, थोड़ा सा अंतर है दोनों में। आपका दायित्व बड़ा है मतलब आप बड़े नहीं है, आपको ज्यादा जगह काम करना है। जिसके पास मंडल का दायित्व है मंडल का काम करेगा, खंड का है तो खंड में काम करेगा, राष्ट्रीय स्तर पे तो राष्ट्रीय स्तर, काम बढ़ा है पद नहीं बढ़ा है, हम सब बराबर है, आप मैं सब हम सब एक ही है ना। तो एक छोटा सा एक आपको समझाया, इसलिए बताया कहीं आप ऐसा ना समझ लेंगे कि दूसरे ग्रह से आया है कि बहुत ऐसा, मैं भी आप जैसा ही हूँ और वही चर्चा में करनी है। तो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं गुरु पूजन के कार्यक्रम के निमित्त। अब आपको जैसे ही मैंने ये शब्द कहा कि गुरु पूजन का कार्यक्रम मतलब कि कहीं ना कहीं गुरु को पूजने की परंपरा, इतना तो ध्यान में आएगा हम सबके, है ना। तो गुरु का पूजन जब हमें करना है तो अब जैसे हमने ये शब्द कहा कि गुरु का पूजन करना, तो अब दो तीन चीजें इससे आपके दिमाग में आती हैं। पहला कि गुरु क्या है, दूसरा गुरु का पूजन क्यों करना चाहिए, और तीसरा कि अगर गुरु का पूजन करना है तो हमारे गुरु कहाँ हैं, है ना। ये तीनों प्रश्न आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। तो पहले प्रश्न का मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर, मतलब प्रयास एक है मेरा कि मैं करूं। गुरु वह है जो हमें ज्ञान दे। अब मैंने एक शब्द कहा कि गुरु वह है, वह व्यक्ति है मैंने कहा क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है कि गुरु कुछ भी हो सकता है, पहली चीज तो ये हम समझ लें। उदाहरण के तौर पर अगर ये गीत किसी ने ध्यान से सुना और बोला होगा, जो भाई साहब ने कहा बहुत सुंदर गीत, देश हमें देता है सब कुछ हम भी तो कुछ देना सीखे, पेड़ हमें क्या देते हैं वो भी बताया भाई साहब ने गीत में, अगर ध्यान से सुना होगा आपने, पुष्प क्या देते हैं वो भी ध्यान से सुना होगा। तो जो वृक्ष है, वृक्ष हमें ऑक्सीजन देता है, प्राणवायु देता है, छाया देता है, फल देता है, फूल देता है, और यहाँ तक कि अपने जीवन के अंत में जब हम उसे काट देते हैं उसके बाद भी हमें हमारे घर में फर्नीचर के रूप में सेवा दे ही रहा है, दे रहा है ना। मतलब ये समझिए कि अगर तप और त्याग का अगर सबसे कोई परिकृष्ट हमको उदाहरण देखना है अपने आसपास, तो हम अपने वृक्षों को देख सकते हैं। जो वृक्ष फल देता है उसे हम बार बार झुकाते हैं, तोड़ते हैं, खींचते हैं, पत्थर मारते हैं, उसको कष्ट होता है? होता है। फूल तोड़ना है, सुबह गए उसने बढ़िया फूल खिलाए सुगंधित, हम गए हमने फूल तोड़ लिया, उसने कुछ मांगा क्या पैसे आपसे? जबकि वही पुष्प कोई व्यक्ति अगर आपको देगा तो पैसे लेगा, लेता है। अगर आप बाजार में जाएंगे वही पुष्प जो वृक्ष आपको दे रहा है वो पैसे नहीं मांगेगा, लेकिन वही पुष्प अगर कोई व्यक्ति देगा तो पैसे मांगेगा। बोलिए सही है कि गलत है? तो समर्पण पुष्प का बड़ा है, वृक्ष का बड़ा है, पौधे का बड़ा है कि इंसान का? वृक्ष का बड़ा है।
आपने पेड़ काट दिया, अभी हम जिस फर्नीचर पर बैठे थे, खटिया पे, सोफे पे, वो किसकी है? लकड़ी की है। वो पैसा मांग रही है क्या? नहीं, लेकिन उसे बनाने वाले ने पैसा लिया। मानते हैं बात? वृक्ष की छाया, हम रास्ते में जा रहे हैं, बहुत धूप लग रही है, हम वृक्ष की छाया में खड़े हो जाते हैं, थोड़ा पानी पी ले, पैसे मांगता है क्या वृक्ष? नहीं। लेकिन अगर आप किसी धर्मशाला में जाएंगे रुकने, सबसे पहले तो पूछेगा किधर से आए भैया, कितने लोग हो, कौन हो, इतना इसका किराया है, वो पूरा पैसा लेगा, तब जाके आपको अंदर बैठाएगा छाव में। वृक्ष बोलता है क्या? नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि वृक्ष हमें इतना सब कुछ देता है, लेकिन हमने वृक्ष को क्या दिया? कभी चिंता की क्या आपने? हमने पर्यावरण को क्या दिया? कुछ नहीं दिया, लेकिन पर्यावरण हमें सब दे रहा है, और वो भी निःशुल्क, और हम उसे काट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, लेकिन वो उसका दर्द मानता है क्या? नहीं। अब उदाहरण के तौर पे मैंने आज यहाँ पे एक उत्सव लेने का प्रयास किया, आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। अब मैं अगर आपको बाद में कभी फोन लगाऊं कि भाई साहब वो उत्सव हुआ था, बोले हाँ भाई साहब, तो अब दशहरा का भी उत्सव है, अपन उत्सव लेंगे, तो आप बोलेंगे, अगर आपने आप में किसी ने बोल दिया अरे यही काम रहता है क्या ये, तो मुझे उससे नाराज होना चाहिए क्या? नहीं। क्यों क्यों नहीं होना चाहिए? कि मेरा काम है समाज में मुझे जो लगता है कि अच्छी चीजें है वो बताना, है ना। अगर उससे मुझे हल्का सा कष्ट भी होता है तो उसमें मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही तो तप है ना, ये तो त्याग है, यही समर्पण है। तो इसी प्रकार हमें भी अपने समाज में हमेशा क्या करते रहना चाहिए? अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार करते रहना चाहिए। तो जिस प्रकार हमने समर्पण और त्याग की शिक्षा किससे ली? वृक्ष से ली। तो वृक्ष हमारा गुरु हुआ कि नहीं हुआ? क्या कभी इस दृष्टि से हमने वृक्ष को देखा था क्या आज तक, कि हमारा गुरु हो सकता है? देखा था क्या कभी? नहीं। जो हमें अपने स्कूल में, शालाओं में जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, वो भी हमारे क्या हैं? गुरु हैं, क्योंकि वो भी तो हमें ज्ञान दे रहे हैं। हमने उनका सम्मान किया क्या कभी अंदर से? ऐसा सोचिए, क्या हमने अपने आसपास की शालाओं में जाके कभी किसी गुरुजी के हालचाल पूछे क्या? कभी किसी को अपने आप बैठाया क्या? कभी उनसे चर्चा की क्या? तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि जिससे हमें ज्ञान मिलता है वो हमारा गुरु है, चाहे वो जीव हो चाहे वह निर्जीव हो। तो 1925 में, अब जैसा कि मैंने आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मतलब आपने RSS का नाम सुना होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, तो इसकी एक स्थापना हुई संगठन। जैसे आज हम लोग आए, गाड़ी खड़ी की, आपसे चर्चा की, आपको ऐसा लगा कि कोई अच्छी बात है, अपनी संस्कृति की बात है तो बैठना चाहिए, भाई साहब की बात सुनना चाहिए। इसी प्रकार ऐसे कुछ बच्चों को लेकर हमारे परम पूज्य आद्य सरसंघ चालक, मतलब जिन्होंने संघ की स्थापना की, डॉक्टर साहब, डॉक्टर केशव बलिराम जी खिड़गेवार, वह पढ़ाई में डॉक्टर थे, पढ़ाई के अगर हम लोग दृष्टि से देखें, डॉक्टर मतलब कैसे डॉक्टर? डॉक्टर जो दवाई करता है, ऐसे डॉक्टर थे। कब की बात है ये? 1925 की, आज से 98 वर्ष पूर्व, 100 साल कह सकते हो। तो आप ये सोचिए कि 100 साल पहले डॉक्टर बनना आज के राष्ट्रपति के बनने इतना कठिन था कि नहीं था? क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के गुलाम थे, पढ़ाई का कोई हिसाब किताब नहीं था। अगर किसी ने उस समय साइन करना भी सीख लिया, सिग्नेचर, किसी ने दस्तखत कर दिए, तो वो बहुत बड़ा विद्वान माना जाता था, माना जाता था। अरे भैया ये तो अंगूठा छाप नहीं है, बोलते थे, ऐसा बोलते थे। मैट्रिक, दसवीं बहुत बड़ी बात थी उस समय, वो डॉक्टर थे और एक साधारण घर से थे, ऐसा बहुत बड़ा कोई रईस घर नहीं था, परंतु उन्होंने पैसे कमाने के लिए डॉक्टरी का, अगर वो चाहते तो आप बड़े आराम से वो उपयोग कर सकते थे और बहुत धन कमा सकते थे, परंतु वो समाज के बीच में, क्योंकि उन्हें पता था कि हमें, हम परतंत्र हैं, और परतंत्र है मतलब दूसरे के गुलाम है, मतलब केवल हम शरीर से गुलाम नहीं है, हम मानसिकता से भी गुलाम हो चुके हैं, हमारी संस्कृति भी गुलाम हो गई है। जैसे हमारे यहाँ पहले जो स्त्रियाँ होती थी, हमारी मातृशक्ति होती थी, हम लोग होते, पुरुष संख्या होती थी, हम लोगों का पहनावा ओढ़ावा, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, ये बहुत अलग थी। जैसे जैसे अंग्रेज आए, हमारे अंदर वो भी परिवर्तन आते गए, तो उनको एक करके, क्योंकि सैनिक किसके थे अंग्रेज के पास? हम ही थे, हम ही थे, हमको ही तोड़कर उन्होंने, हमको ही कुछ लोगों को अपने तरफ करके, कुछ को अलग करके, और एक दूसरे से भिड़ा दिया, और वो राज करने लगे। तो डॉक्टर साहब के समझ में आया कि मैं पैसे तो कमा लूंगा, डॉक्टर तो बन गया हूँ, लेकिन जब समाज एक साथ नहीं रहेगा तो मेरी अगली पीढ़ी भी गुलाम रहेगी।
सोच बड़ी थी उनकी, हम लोग आज का सोचते हैं। तो उन्होंने धरार्जन करने की जगह क्या किया, समाज को एकत्रित करने का काम चालू कर दिया, और तभी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इस संगठन की स्थापना हुई। कुछ बच्चों को लेके नागपुर में जो मोहिते का बाड़ा है वहां पर उन्होंने शाखा प्रारंभ की। शाखा मतलब एक ऐसा स्थान जहां पे सुबह एक घंटे के लिए हम लोग शारीरिक व्यायाम भी करेंगे और मानसिक व्यायाम भी करेंगे। मानसिक व्यायाम मतलब सामाजिक समरसता का समरसता की बात करना इस प्रकार से। तो जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई तो कुछ वर्षों बाद एक ऐसा अनुभव आया कि अब इसका आकार बढ़ रहा है, दूसरे क्षेत्रों में भी हम लोग शाखा लगा रहे हैं, तो हमें मार्गदर्शन के लिए गुरु की आवश्यकता है। जैसे होता है ना कि अगर आप स्कूल चले जाएं, स्कूल भवन बना है, आपके पास पुस्तकें भी हैं, लेकिन क्या आप बिना शिक्षक के पढ़ सकते हैं क्या? नहीं। तो उसी प्रकार संघ तो है, संगठन भी हो गया है, लेकिन उसको ऊर्जा देने के लिए एक प्रेरणा तो चाहिए ना, कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। भविष्य में कोई पूछेगा इसका आकार, मैं तो हर जगह नहीं जा पाऊंगा, ऐसा डॉक्टर साहब ने सोचा। और शरीर नश्वर है भाऊ, आज नहीं तो कल हमें दुनिया छोड़ के जाना है, तब उस समय संघ को कौन संभालेगा। तो एक गुरु की आवश्यकता हमें है। तो वह गुरु कौन हो? एक ऐसा गुरु चाहिए जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, कोई भी विकार ना हो। क्यों? क्योंकि हमारा संघ जब निर्विकार है, सबको समान भाव से देखने वाला है, तो हमारा गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो सबको समान भाव से देखे। तो किसी ने कहा कि भैया भगवा ध्वज के तले हम लोग अपना अभ्यास करते हैं, बजरंग बली, क्योंकि अखाड़े से चालू हुआ था संघ, तो बजरंग बली जो है वो हमारे गुरु के रूप में हम मानेंगे, क्योंकि उनसे ज्यादा सेवा और उनसे ज्यादा स्वामी भक्ति का तो उदाहरण नहीं है अपने किसी ग्रंथ में या कहीं पर भी, तो हम उन्हें गुरु मानेंगे। तो किसी ने कहा कि ठीक है, जब आप उनको गुरु मान रहे हैं तो उनके जो गुरु है श्री राम, हम उनको गुरु मानेंगे, भैया अपन ऊपर चले ना। फिर किसी ने कहा कि ठीक है, हम तो महादेव को, क्योंकि महादेव क्यों, क्योंकि त्याग की सबसे बड़ी निशानी महादेव है, सबसे ज्यादा शक्ति उनके पास थी, लेकिन वो रहते कहाँ थे, जंगल में, पहाड़ों में रहते थे, सांपों को अपने गले में धारण करके रहते थे, वस्त्रों के जगह छाल पहनते थे, तो इतना बड़ा तप, इतना बड़ा त्याग, वो है हमारे गुरु। फिर किसी ने कहा कि जब ऐसी बात है तो आदिशक्ति माँ जगदम्बा दुर्गा माता को हम गुरु मानेंगे, सृष्टि की जहां से शुरुआत होती है मातृशक्ति से तो होती है ना, तो हम उसे गुरु मानेंगे। ऐसे करते करते किसी ने कहा हम छत्रपति शिवाजी को मानेंगे, किसी ने कहा ना महाराणा प्रताप को मानेंगे, किसी ने कहा डॉक्टर साहब को, हेडगेवार जी को, कि हम आपको ही गुरु मानेंगे, भैया स्थापना तो आपने की है, रास्ता तो आपने ही दिखाया है, तो हम आपको ही गुरु मानेंगे। तो इस प्रकार से कई चर्चाएं चलने लगी। जब चर्चाएं चलने लगी तो बात सामने आई कि देखो हम लोग किस लिए इकट्ठा हुए थे, एकजुट रहने के लिए। अभी हम लोग क्यों बैठे हैं वर्तमान में, अभी हम लोग क्यों बैठे हैं, भाषण सुनने के लिए बैठे हैं क्या? नहीं, विचार का आदान प्रदान करके एक साथ हम समरसता में आ जाएं, एक साथ एक दूसरे का सहयोग करें, इसलिए हम बैठे हैं। तो जब उन्होंने देखा, डॉक्टर साहब ने, कि ये तो देखो हम लोग संगठित क्यों हुए थे, एक साथ बैठने के लिए, एक साथ काम करने के लिए, ताकि हमारे भारत को आजादी मिल जाए, और आजादी के साथ साथ हमारा देश स्वतंत्रता के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वतंत्र हो और संगठित हो। लेकिन हो क्या रहा है, गुरु के नाम पे ही आपस में मतभेद हो रहे हैं। तब डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, गुरु ऐसा होना चाहिए जो चिरकालीन हो और सबको मान्य भी हो। तो ऐसा कौन सा गुरु हो जो सबको मान्य हो? तो आपने ध्यान दिया होगा कि अपने हिंदू धर्म में, अपने संस्कृति में चार युग माने जाते हैं, त्रेता द्वापर सतयुग था पहले, त्रेता फिर द्वापर और फिर ये कलयुग। तो चारों युग में एक चीज ऐसी है जो अखंड है, वो क्या है? परम पवित्र भगवान। सतयुग में भी भगवा ध्वज था, त्रेता में भी भगवा ध्वज था, द्वापर में भी भगवा ध्वज था, और कलयुग में भी भगवा ध्वज है, और इसके बाद भी भगवा ध्वज रहेगा। आपने देखा होगा जब श्री राम युद्ध के लिए गए थे तो भगवा ध्वज था उनके रथ में, कृष्ण जी जब, आपने देखा जब महाभारत हुई तो भगवा ध्वज था अर्जुन के रथ में, सभी के रथ में, उसी में हनुमान जी विराजित थे, वो एक अलग विषय है, फिर उसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवा ध्वज, छत्रपति शिवाजी भगवा ध्वज, महाराणा प्रताप भगवा ध्वज, महाराणा दुर्गावती भगवा ध्वज, लक्ष्मीबाई भगवा ध्वज,
तो ये सबको मान्य है, ये ध्वज सबको मान्य है, तो हम इसे अपना गुरु मानेंगे। और इसमें विकार भी नहीं आ सकता। विकार कैसे नहीं आ सकता कि हो सकता है मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आ सकता है कि जब मैं आपके प्रति या आपके प्रति या आपके प्रति अपने मन में दुर्भावना ला लूं, हो सकता है ना, क्योंकि मैं तो इंसान हूं, इंसान के अंदर कमी आ सकती है। भाई हो सकता है भैया मेरी बात ना माने, मैं फोन करूं भैया मेरा मैंने भी एक वीडियो भेजा है आप सब्सक्राइब करना, भैया ने नहीं किया, अरे ऐसे बेकार है। लेकिन क्या भगवा ध्वज के लिए भैया बेकार हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तत्व है। और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में इंसान की पूजा नहीं होती, किसी भी व्यक्ति की पूजा नहीं होती। ये कई बार प्रश्न भी आया है कि भैया हम इंसान की पूजा क्यों नहीं करते। कई बार प्रश्न आता है कि जब ध्वज लग जाता है उससे बड़ा कोई नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हम लोग व्यक्ति की पूजा नहीं करते, हम लोग किसकी पूजा करते हैं? तत्व की। क्यों? क्योंकि तत्व एक ऐसी चीज है जो सबके लिए समरसतापूर्ण है, सबके लिए समान है। वायु, जल, आकाश, अग्नि, क्या कभी किसी से पूछती है क्या कि आपकी जाति क्या है, आप कितना पैसा कमाते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपकी उम्र क्या है, कुछ पूछती है क्या? आप श्वास ले रहे हो, आप बड़े हो छोटे हो, ये श्वास ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूँ, अलग अलग जगह से आए हैं, वायु हमसे पूछ रही है क्या? नहीं। अग्नि, हम खाना बनाएंगे तो अग्नि पूछेगी क्या? नहीं। और जलाते समय भी नहीं पूछेगी कि आप कौन हो। कोई भेदभाव नहीं है उसके लिए, जो गलत है वो गलत है, जो सही है उसके लिए सब सही है। तो इसी प्रकार ये जो ध्वज है, ध्वज आपके लिए कभी गलत हो सकता है क्या? ये कभी आपकी जाति पूछ सकता है क्या? ऊंच नीच पूछ सकता है क्या? बड़ा छोटा, अमीर गरीब पूछ सकता है क्या? नहीं। इसलिए हमारा गुरु है भगवा ध्वज। दूसरी बात, वैज्ञानिक तौर से भी भगवा ध्वज पीले और लाल रंग को मिलाकर बनता है। पीला रंग किसका है? प्रतीक है त्याग और बलिदान, समर्पण का प्रतीक है पीला रंग। और लाल रंग किसका प्रतीक है? ऊर्जा का, शौर्य का, वीरता का प्रतीक है। तो जब वीरता, शौर्य, त्याग, बलिदान सब मिल जाता है, आप लाल और पीले रंग को मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनता है? भगवा। इसीलिए भगवा ध्वज को हम जब देखते हैं तो हम प्रतिदिन शाखा लगेगी सुबह, तो जब शाखा लगती है तो हम ध्वज को पहले लगाते हैं, ध्वज प्रणाम करते हैं। क्यों? जैसे ही हमने ध्वज प्रणाम किया तो हमारे मन में भावना आती है कि यही जो हमने सीखा है शाखा में, हमें समाज में इसे बताना है, और हमें समाज में अच्छे काम करने के लिए थोड़ा सा अगर समर्पण और त्याग देना पड़े तो हमें देना है। और अगर कोई बुराई आती है तो शौर्य तो वीरता के साथ खड़े भी रहना है, डर के भागना नहीं है। ये हमें प्रेरणा किससे मिलती है? परम पवित्र भगवा ध्वज। तो हमारे गुरु हुए कि नहीं हुए? जब हम इन्हें देख के त्याग और समर्पण की भावना अपने अंदर स्वीकार कर सकते हैं, वीरता की भावना स्वीकार कर सकते हैं, तो ये तो अखंड ध्वज है। आप जब भी, आज हम हैं, हमसे और 100 साल बाद और कोई आएगा, उसके और कोई बाद आएगा, भगवा ध्वज हमेशा रहेगा, रहेगा ना? रहेगा। ये आपसे अभी कभी इसका समरसता कभी हटेगी नहीं, किसी के प्रति मन में दुर्भावना आएगी नहीं, इसीलिए हमने। तीसरी चीज कि सूर्य जब उदय होता है उसके पहले कौन सा रंग आता है? भगवा ध्वज। मतलब सृष्टि का प्रारंभ जो है, हम लोग अपने दिन का प्रारंभ, सृष्टि का प्रारंभ, नए चीजों का प्रारंभ करते हैं, तो भगवा ध्वज उसका एक प्रतीक है। तो इस प्रकार भगवा ध्वज को हमने अपना गुरु माना। भगवा ध्वज का आप आकार देखेंगे त्रिकोण जैसा है, दो त्रिकोण, वो किसका प्रतीक है? यज्ञ, यज्ञ जो होता है ना, यज्ञ में आग लपटे उठती है ना, उस लपटों का प्रतीक है ये त्रिकोण। क्यों? क्योंकि यज्ञ ऐसी वस्तु है, या यज्ञ ऐसा, ऐसी क्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें हम आहुति देते हैं। किसकी आहुति देते हैं? अपने बुराइयों, यज्ञ में आहुति देना, आहुति का मतलब ही होता है दे देना, ये लो भैया हमारी बुराई इसमें जल जाए और हम अच्छे बने, हमारे अंदर अच्छे विचारों का प्रचार प्रसार हो। तो जब भी हम इसे देखें तो हमारे अंदर त्याग, तप, बलिदान, वीरता और अपनी बुराइयों को खत्म करने की प्रेरणा जगनी चाहिए। इसीलिए परम पवित्र भगवा ध्वज को हमने गुरु माना। और इसीलिए वर्ष में एक बार अगर हम किसी गुरु को मान्य करके उससे कुछ शिक्षा ले रहे हैं, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम वर्ष भर में एक बार गुरु पूजन करें और समर्पण करें? समर्पण कई प्रकार का होता है, शारीरिक समर्पण होता है, समय का। अब आप लोग समय का समर्पण कर रहे हैं ना, आपने अपना समय निकाला ना, आधा एक घंटे का समय निकाल लिया आपने, ये क्या है? समर्पण। सामाजिक, अब मान के चलिए मैं कहूँ कभी फोन करके कि भाई साहब अपने को थोड़ा सा गांव में स्वच्छता अभियान के लिए थोड़ा सा कुछ करना है,
उसके लिए आप आएंगे शारीरिक रूप से, समय देंगे मानसिक रूप से। आपने भाई साहब ने फोन किया किसी को, ये चार आदमी यहाँ है, भाई साहब आने वाले हैं, अपने को चलना है, ये क्या हो गया, समर्पण हुआ कि नहीं हुआ? समय का समर्पण दिया, मानसिकता का समर्पण दिया, इसी प्रकार आर्थिक समर्पण भी होता है। जो कुछ नहीं कर सकता भैया, हम समय नहीं दे पाएंगे या कुछ है, या जो कुछ समय दे सकता है और आर्थिक रूप से भी सक्षम है और उसे ऐसा लगता है कि वर्ष भर ये जो सब प्रक्रियाएं चलती है, इन प्रक्रियाओं के लिए जो हम अगर हम अपने साल भर में 365 दिन में अगर दिन का एक रुपये भी बचाए, खर्रा गुटखा अगर हम खाते हैं या कोई हम लोग ऐसा व्यसन करते हैं उनमें से अगर एक रुपये भी बचा के और हम वर्ष भर बाद 365 दिन एक एक रुपये बचाएंगे, 365 रुपये होते हैं, तो हम उस प्रकार का समर्पण भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के अलग अलग समर्पण की व्यवस्था है। अभी समर्पण क्यों होता है? आर्थिक समर्पण इसलिए होता है क्यों, क्योंकि संघ में व्यवस्था है कि किसी भी कार्यक्रम का पैसा हम बाहर से नहीं मांगते। और दुनिया बड़ी हैरान है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व का, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, ये विदेशों में भी है अपना। और मजे की बात, इतना बड़ा संगठन है लेकिन ना तो इसका रजिस्ट्रेशन है, ना तो हम इस किसी से पैसा मांगते हैं, ना तो हम किसी को पैसा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैसे चल रहा है इतना बड़ा संगठन? सेवा भाव से। तो हम स्वयं जो स्वयं सेवक लोग हैं, ऐसा नहीं कि चंदा मांगने निकल गए और पर्ची काट रहे हैं, ऐसा कुछ है। सेवा भाव, जो अपने आप को स्वयं सेवक समझता है और ऐसा लगता है कि राष्ट्र के लिए, जैसे कई व्यक्ति हैं जो 24 घंटे प्रचारक का जीवन जीते हैं, प्रचारक मतलब वो अपने घर में नहीं जाते, विवाह नहीं करते, शादी नहीं करते और कोई व्यवसाय भी नहीं करते, तो फिर वो जिंदा कैसे रहेंगे? तो कैसे रहेंगे, जैसे भैया के यहाँ आए, भाई साहब के यहाँ भोजन हो गया, फिर किसी का वाहन है तो कहीं गांव चले गए, नहीं है वाहन तो फिर अपनी नई व्यवस्था देखी, उस व्यवस्था से कहीं और बाहर चले गए। तो दिन मतलब 24 घंटे और जीवन भर वह संघ का प्रचार प्रसार करते हैं, संघ का मतलब अपनी संस्कृति। तो उनके प्रचार प्रसार में उनके पहनने के लिए, उनके रहने के लिए, उनके प्रवास के लिए जो व्यय आता है वो कौन देता है? स्वयं सेवक ही देते हैं, खुद ही पैसा और सहयोग, शारीरिक मानसिक आर्थिक सब सहयोग कौन करता है? स्वयं सेवक ही करता है और संघ चलते रहता है। इस प्रकार से वर्ष भर में जिसको लगता है 10 रुपए, किसी को लगता है 300 रुपए, किसी को लगता है 500 रुपए, किसी को लगता है 1000, किसी को लाख, किसी को 1 रुपए, किसी को पुष्प, जो लगे यथा उचित लोग समर्पण करते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था है, वर्ष भर में एक बार गुरु पूजन होता है, यथा उचित लोग समर्पण करते हैं। जैसे अभी हमने पुष्प अर्पण किए, पुष्प का क्या मतलब है? पुष्प का मतलब है कि आज से आप लोगों ने ये मन में धारण किया है पुष्प को समर्पित करके कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारत के लिए या अपने देश के लिए जब भी समय मिलेगा हम लोग समय देंगे, और उसके लिए अपने मन में पुष्प की तरह हमारे अंदर भावना है। दूसरी चीज कि जब भी हम कहीं बैठेंगे तो अपनी संस्कृति के बारे में विचार विमर्श करेंगे, और खासतौर से आप लोग भी है जो तरुण लोग हैं इसका ध्यान देंगे, विदेशी जो संस्कृति है उसको हावी नहीं होने देना, हमें प्रगति करना है लेकिन अपनी संस्कृति को लेकर। तो आपस में ऐसी चर्चा करेंगे, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे उत्सव क्या है, गुरु का क्या महत्व है। गुरु जो है वो सबसे बड़ा होता है, पहली गुरु हमारी माता, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। क्यों? क्योंकि गुरु अगर ना होगा तो कौन बड़ा कौन छोटा इसका ज्ञान भी कौन देगा? जब तक ज्ञान मिलेगा ही नहीं तो बड़े छोटे का ज्ञान मिलेगा नहीं। तो गुरु सबसे बड़ा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से बड़ा कोई नहीं है। भगवान ने भी गुरु को पूजा है, उनके भी गुरु होते हैं। बजरंगबली, आपको पता है कि बजरंगबली ने अपने गुरु को ढूंढने के लिए कितनी तपस्या की, फिर आखिरी में उनके जो गुरु थे वो सूर्य भगवान बने। ये हमें पता था क्या? नहीं। क्यों नहीं पता था? क्योंकि हम ऐश्वर्या राय और कैटरीना कैफ को दिन भर देखते। गलत बोला क्या भैया? नहीं भाई, ट्रेंडिंग ये भी हो सकता है, आप ये कहानी भी डाल के इसकी एक्टिंग करके भी आप यूट्यूब में डाल सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? नहीं करते। हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे, अपने छोटे भाइयों को क्या बताएंगे? हमें पता है क्या? लोग, आपने सुना होगा कई बार पंडित जी लोग बोलते होंगे कि भैया 9 ग्रह की पूजा करना है तो हनुमान जी की कर लो, शनि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ऐसा क्यों? कोई उनके फोन पे कॉन्टेक्ट होते है क्या? भैया मेरे पास आ गया है नारियल का पैसा, देख लेना थोड़ा सा, उधर बिगाड़ना नहीं। ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। तो ऐसा क्यों होता है फिर? ये थोड़ा अभी जानना है।
कि ऐसा क्यों हुआ था। उन्होंने अपने माता के लिए 9 ग्रहों से लड़ाई कर ली थी माँ के लिए, तो फिर उसके वो एक विस्तृत है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अपनी संस्कृति को जानिए। ठीक है, कहने की बहुत है, अब हम लोग अलग अलग बार अभी आएंगे, अलग अलग और उत्सव मनाएंगे भैया आज से, है ना, ये आज अंतिम नहीं है, फिर वो अलग विषय रखेंगे। ठीक है, बस इसी के साथ 2 शब्द और अभी हम लोग खड़े होंगे थोड़ा सा और ध्वज को